जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कि जावा प्रोग्रामिंग में या जावा प्रोग्राम्स में नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं या क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर सिंटैक्स समझाया गया है इसका कि नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले एक ब्लॉक दिया है इफ़ ब्लॉक और उसके करस्पॉन्डिंग एक एल्स का ब्लॉक है। इफ़ ब्लॉक के अंदर भी आप देखेंगे कि इफ एल्स दिया हुआ है और एल्स ब्लॉक के अंदर भी फिर से इफ एल्स दिया हुआ है। तो इसी फॉर्मेट को अगर हम अप्लाई करते हैं जो सिंटेक्स यहाँ पर दिया हुआ है तो इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं जो कि एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर सिंटेक्स हमें बताता है कि इफ के पैरेंथेसिस के बाद एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर कंट्रोल जाएगा। यहाँ पर फिर फर्दर जो इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन भी हमारा ट्रू होता है तो इसी ब्लॉक के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए उनका एग्जीक्यूशन होगा। अगर बाय द वे ये फॉल्स हो जाता है तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्स है उसके ब्लॉक के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए उनका एग्जीक्यूशन होगा। बाय द वे जो हमारा इफ़ ब्लॉक इफ़ एक्सप्रेशन टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर ये फेल करता है, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं करता है या फॉल्स होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्स जो है कंट्रोल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और फर्दर उसके अंदर जो हमारा नेस्टेड इफ एल्स लिखा हुआ है वहाँ पर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा। इसको अब एक प्रोग्राम की मदद से हम समझते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है जो हमें ये बताएगा कि जो गिवन थ्री नंबर्स हैं हमारे उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पर हमने इनिशलाइज कर लिए तीन नंबर A2, B3 और C4। अभी हम यूज़र से इनपुट नहीं करा रहे क्योंकि यूज़र से जावा में कैसे इनपुट कराते हैं अभी तक हमने वो नहीं जाना है, इसलिए यहाँ पर केवल नंबर्स को इनिशलाइज़ किया है। तो एज़ पर सिंटेक्स ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स, सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है और अगर ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिटर्न करता है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर या इस ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पर चेक करेगा अगर ए सी से भी बड़ा है तो हमारा ओवरऑल ए इज़ ग्रेटेस्ट होगा और उसी को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अगर हमारा ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है तो यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और एल्स के बाद जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है सी इज़ ग्रेटेस्ट तो सी का इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा और प्रिंट हमें करके देगा सी इज़ ग्रेटेस्ट। अगर पहली बार जो टेस्ट एक्सप्रेशन हमने चेक किया था कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एल्स है उसके बाद जो ब्लॉक में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले ये टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा बी इज़ ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा और वो हमें प्रिंट करके देगा कि बी इज़ ग्रेटेस्ट, जैसा कि यहाँ पर पहले ही टेस्ट कर चुका है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स है यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है यानी कि बी बड़ा है। और यहाँ पर हम चेक कर ले रहे हैं बी इज़ ग्रेटर देन सी यानी कि बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है तो यहाँ पर हमारा बी बड़ा हो जाएगा, बी इज़ ग्रेटेस्ट। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हुई थी ए इज़ ग्रेटर देन बी वाली यानी कि यहाँ पर
बी बड़ा था। दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई कि यहाँ पर बी जो है सी से छोटा है, इसलिए यहाँ पर जो सी है वो ग्रेटेस्ट होगा। अब इसका एग्जीक्यूशन करके देख लेते हैं, और एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए लिखा है जावा सी और हमारे प्रोग्राम का नाम विद एक्सटेंशन डॉट जावा। इसको कंपाइल किया तो हमें बाइट कोड मिला होगा जिसका एक्सटेंशन, जिस फाइल का एक्सटेंशन होगा GRET ग्रेट नाम, जो हमारी फाइल का नाम है डॉट क्लास। यहाँ पर विदाउट एक्सटेंशन हम उस फाइल का नाम लिखेंगे, और इसका एग्जीक्यूशन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें रिजल्ट दे देगा कि सी इज़ ग्रेटेस्ट। फर्दर अगर हम अपने प्रोग्राम में चेंज करके देखते हैं कि अगर हम अपने प्रोग्राम में चेंज करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर हम इसको मान लीजिए 20 कर देते हैं, इस प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं इसलिए इसको सेव कर देते हैं, और फिर से हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं दोबारा से कि ये अब रिज़ल्ट हमारा क्या आता है। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे क्योंकि चेंजेस किए हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर ए इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा रन कर रहा है, और यहाँ पर हमने जाना कि कैसे नेस्टेड इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन हम जावा प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे दी हुई मेल आईडी पर ज़रूर मेल करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।